देखिए बस झाड़ पर लगभग 15 से 20 फीट का यह सांप। व्यूअर्स, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, आज हम आए हैं डोंगेश्वर महादेव चौड़ा धाम, जिसे गंडई नर्मदा के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, आपको दिखाते हैं डोंगेश्वर नाथ महादेव का मंदिर। बंदरों का झुंड दोस्तों, आप देखते होंगे, आप कभी भी टेंपल में जाते होंगे, आपको बंदरों का एक समूह दिखाई देता ही होगा। व्यूअर्स, हमारे मित्र लक्ष्मी नारायण साहू जी अपने मोबाइल से वीडियो शूट करते हुए। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए व्यूअर्स, आपको मंदिर का हर एक कोना व्यू कराया जाएगा। यहाँ श्रद्धालु ज्योति जलाने हेतु संपर्क भी कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ नवरात्र के टाइम पर ज्योति कलश की भी स्थापना की जाती है। बहुत ही पुराना मंदिर है व्यूअर्स, बिल्कुल पहाड़ों के बीच गुफानुमा। पहुंच मार्ग जहां से आप नीचे आए थे, ऊपर का व्यू। अब हम आपको लेके चलते हैं मंदिर की ओर। कैलाश पर्वत दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, यह छत्तीसगढ़ का एक ऐसा मंदिर है जहां पर नंदी बाबा के मुख से जल 24 घंटे निकलते रहता है। व्यूअर्स, भले ही ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी व्यूअर्स, लेकिन हम आपको मंदिर का ओवरऑल व्यू दिखाएंगे दोस्तों। सांप दोस्तों, जिसकी लंबाई 15 से 20 फीट लंबी, वीडियो के प्रारंभ में आप देखी होंगे व्यूअर्स। खूबसूरत झरना जो कि चट्टान के बीचों बीच से गिरती हुई, जंगलों के बीच हमारे डोंगेश्वर महाराज महादेव जी। क्या खूब नजारा व्यूअर्स, प्राकृतिक सौंदर्य देखने योग्य। मंदिर पहाड़ों के बीच, ऐसा टेंपल आप छत्तीसगढ़ में शायद नहीं देखे होंगे व्यूअर्स। मैं आप सभी व्यूअर्स से कहना चाहूंगा कि आप एक बार जरूर जाएं और अपनी फैमिली को भी लेके जाएं। हमारे मित्र लक्ष्मी नारायण जी मंदिर का दूसरा रास्ता भी व्यूअर्स, आप चाहें तो पीछे से भी आ सकते हैं। मंदिर के दो रास्ते हैं, अगर आप गंडई की ओर से आएंगे तो भी, अगर आप खैरागढ़ की ओर से आएंगे तो भी, आपको दोनों तरफ से रास्ता मिलेगा व्यूअर्स। ओवरऑल व्यू जंगलों का आप एक बार जरूर जाए, आपको बहुत पसंद आएगा। सौंदर्य दृश्य, मनोरम प्राकृतिक वातावरण दोस्तों, हरियाली से भरपूर